भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए, बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाए आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है, मन के में उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं, और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है, और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा ने हम सब की उन्नति के लिए हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की पावनी परंपरा और उस यज्ञ की महिमा से संबंधित जो हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारी परंपराओं ने हमें दिया, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उस विषय में हम जान रहे थे कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को हम स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वर्तमान जीवन में हम कई सारी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण से लेकर के रेडिएशन जैसे अनेकों प्रदूषणों से हम जूझ रहे हैं, उससे कैसे हमारा बचाव हो, तथा उसे अतिरिक्त हम स्वस्थ जीवन यदि जीना चाहते हैं, सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, उन्नति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा तन का, हमारा मन का और हमारे पर्यावरण का, तीनों का सुरक्षित और संरक्षित और उनका संवर्धन बहुत जरूरी होता है। वह कैसे यज्ञ से प्राप्त होता है, उस विषय में हमने पूर्व में देखा था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन में एक नहीं अपितु अनेक समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। सबसे पहली समस्या व्यक्ति के सामने आती है बीमारी, रोग, दोष। वह जो बीमारियां होती है, वह बीमारियां हमारे जीवन में आकर के हमें बहुत कष्ट देती है, बहुत दुख देती है, बहुत पीड़ाएं देती है, और हम जिस सिद्धि के लिए इस जीवन को लगाना चाहते हैं, वह जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है और उस जीवन में हम उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। इसके कारण केवल रोग के कारण, और कई बार क्या, आज वर्तमान में तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी मृत्यु दर है पूरी दुनिया कि जो निश्चित आयु से पूर्व ही वो इस देह को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके चल बसते हैं, केवल मात्र व्याधियों के कारण। आखिर इस जीवन को हम कैसे सुरक्षित करें, कैसे इन व्याधियों से हम बचाएं, कैसे वर्तमान में आने वाले दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से हम बचे, और यदि व्याधि हो गई तो उसे कैसे मुक्ति पाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज वर्तमान में एलोपैथिक से लेकर के अलग अलग बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, बहुत सारा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, फिर भी वह विज्ञान आज हमें बचा नहीं रहा है, हमें मार रहा है। एलोपैथी के नाम पे जितना आज यदि हम भारतवर्ष के ही आंकड़े देखें, तो जितना पूरा भारतवर्ष अन्न, सब्जी आदि का
खा करके जितना खर्च होता है उससे 2 गुना ज्यादा पैसा केवल मात्र दवाइयों में लग रहा है। अर्थात जितना भोजन में खर्च नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा बीमारियों को ठीक करने के नाम पे खर्च हो रहा है। और उसके बावजूद भी आज बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उसके लिए स्पेशल विशेष टेक्नोलॉजी का विकास है, अलग अलग मशीनों से लेकर के अलग अलग औजारों साधनों से लेकर के अलग अलग सूक्ष्मतम बीमारियों को पहचानने के साधन से, लेकिन अनेक अनेक प्रकार की सुविधाएं है आज हमारे पास, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हॉस्पिटल है आज हमारे पास, एक नहीं अनेक प्रकार के हॉस्पिटल, और एक एक बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट भी, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल है, एक एक बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है हमारे पास, और उसके लिए स्पेशल चिकित्सा पद्धति और औषधियाँ भी हैं। लेकिन आप विचार कीजिए, आज से 30 से 40 साल पूर्व में आप जाइए, 30 से 40 साल पूर्व में जो मृत्यु की दर थी उसकी अपेक्षा आज हमें कहीं ज़्यादा मृत्यु, उस समय किसी ने ना बीपी की बीमारी सुनी थी, ना शुगर की बीमारी सुनी थी, ना इस प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों का नाम भी व्यक्ति को पता नहीं था, और आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि व्यक्ति उन बीमारियों से मौत के घाट उतरता चला जाता है। आखिर यह हमारा विकास है या विनाश है, सोचने की विचारने की आवश्यकता है। उस समय में पूरे, आज से कुछ समय पहले हम देखें तो पूरे गाँव में कोई एकाध वैद्य हुआ करता था, और वही एकाध वेद ही अपने गांव की ही कुछ औषधि या जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करते हुए कुट पीस करके अलग अलग बीमारियों में अलग अलग नुस्खे देता है और सभी बीमारियों को कंट्रोल कर लेता है, क्योर कर लेता है, व्यक्ति को सुरक्षित कर लेता है। आज अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ होते हुए भी उस बीमारी से जूझता हुआ, लाखों रुपये का खर्च करता हुआ भी अंतिम में व्यक्ति प्राण गंवा देता है। ये हमारा विकास है क्या नहीं, हमें एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इससे अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ों को हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उसमें एक सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ या सबसे बड़ा कारण है वायु। वायु भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक उस समय में, आज से हम 25-30-50 साल पहले जाए तो वायु भी शुद्ध हुआ करती थी, उसके कारण से भी व्यक्ति स्वस्थ रहा करता था और जल्दी से मान लो कोई बीमारी हो भी गई तो रिकवर कर लेता था। लेकिन अभी वर्तमान में जिस वायु में हम श्वास ले रहे हैं, जो आहार हमारा 24 घंटे हमारे भीतर जा रहा है, वह आहार भी हमारा आज प्रदूषित हो चुका है, तो उसके कारण भी हम बहुत बड़ी मात्रा में हानि को प्राप्त कर रहे हैं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में बीमारियों के कारण तो हम दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा तो उठा रहे हैं, लेकिन इस तन की बीमारियों के साथ साथ हम अन्य और कई सारी प्रकार की ऐसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे समाज में एक मानसिक रूप से दबाव को, मानसिक रूप से एक अलग दर्शन को हो दिया गया, या कुछ भी हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसा हो भी, अलग अलग राहु केतु भूत प्रेत पिशाच या इस प्रकार की अनेकों प्रकार की चीजों, किसी की नजर लग जाना, कोई अशुभ शक्ति का उसके ऊपर वार रहना, या इस प्रकार से अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पे हम गांवों में या शहरों में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार की समस्याओं से जो अदृष्ट हैं, कुछ देख नहीं पा रहे लेकिन उससे वो पीड़ित रहते, दुखित रहते हैं, फिर उसके कारण से कोई दोरा धागा कराता है, कोई कड़ा पहनता है, कोई वीटी पहनता है, कोई अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग पत्थरों को बांधता है, या इससे अतिरिक्त और भी कई सारे दान पुण्य यज्ञ और भी कई सारे प्रकार के अलग अलग ज्योतिष और जो तथाकथित ब्राह्मण लोग कहो, या फिर इस प्रकार का कर्मकांड करने वाले लोग हैं, वो व्यक्ति को अलग अलग उपचार सुझाता है कि ऐसे कर लो, ये करो, वो करो, और फिर भी व्यक्ति का जीवन वैसा का वैसा देखने को मिलता है, वैसे के वैसे दुखों को उठाता मिलता है। आखिर ये भी एक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम कह सकते हैं दोष, दोषों के कारण होने वाली वास्तु दोष से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई दोष। इन समस्याओं से भी यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, इन समस्याओं से भी हम बचना चाहते हैं, या ऐसी किसी के ऐसा लगता है कि उनके परिवार के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर या इसके बिजनेस धंधे या अन्य जगहों पर इस प्रकार की कोई अशुभ शक्ति का या अशुभ चीज का
या इस प्रकार की कोई ऐसी चीज है जिसका प्रभाव है और उसको वो ठीक नहीं कर पा रहा है, या उसके कारण से उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके कारण उनके परिवार के संबंध ठीक नहीं रहते, उसके कारण उसके जीवन में छोटे मोटे दुख, एक्सीडेंट या इस प्रकार की अलग अलग कई सारी अशुभ की जो है छाया रहती है। तो उनसे यदि आप बचना चाहते हैं, उनसे आप ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसी जो भी अशुभ शक्ति है, जो भी दुष्प्रभाव है, उन सबसे आप ऊपर उठना चाहते हैं, एक ही समाधान है, आप अपने घर में प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र को अपनाएंगे। यदि आप अपने घर में प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र को अपनाएंगे, थोड़ा सा 7 गायत्री मंत्र, 21 गायत्री मंत्र, 51 गायत्री मंत्र, 108 गायत्री मंत्र, जैसी आपकी शक्ति, सामर्थ्य, समय और आपकी अनुकूलता, उसके आधार पर आप प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल 7 से लेकर के 108 तक गायत्री मंत्र का जप करते हुए और गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए अपने ही घर में छोटा सा तांबे का या कोई भी धातु का एक हवन कुंड रख लीजिए, और उस हवन कुंड में गाय के गोबर के कंडे है या फिर आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, बिल्व, आंक जिसको हम मदार कहते हैं, या इस प्रकार की तुलसी की संविधा, इस प्रकार की कोई भी एक संविधा विशेष का चयन करके, या फिर सबसे श्रेष्ठ है गाय के गोबर के कंडे, उसको लेकर के उसका अच्छे से सजा करके उसको आप अग्नि प्रदीप्त करें जो विधिवत, और उस अग्नि को प्रदीप्त करके उस प्रदीप्त अग्नि में चावल, तिल, जौ, उड़द से लेकर के जो आपके घर में सहज रूप से उपलब्ध है, उन औषधियों से लेकर के आप अलग अलग जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे आज पतंजलि योगपीठ से भी सभी स्टोर्स के ऊपर पतंजलि आस्था हवन सामग्री, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री करके दो प्रकार की जड़ी बूटियां की हवन सामग्री तैयार की गई है, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक, उन जड़ी बूटियों को आप ला करके उन जड़ी बूटियों के अंदर आप तिल, जौ, थोड़ा सा घी आदि मिला करके आप उससे हवन करें, और हवन करने के पश्चात आप प्रभु से, और हवन करने से पहले परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करें, दिव्य शक्तियों का आह्वान करें, इस हमारी हवियों को आप ग्रहण कीजिए और हमें हमारे जीवन में आने वाले सभी संतापों से, दुखों से, दरिद्रता से, कष्टों से, या जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपके जीवन में आने वाली बाधा है, उससे हमें मुक्त कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पहले हवन करें और हवन के पश्चात फिर से प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी हवियों को स्वीकार करें और हमें सुखमय, शांतिमय और दरिद्रता से या जो भी समस्या है उनसे मुक्त हमें जीवन प्रदान करें। इस प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से आप देखेंगे आप अपने जीवन में इतना बड़ा और इतना विशेष परिवर्तन देखेंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो आप कई दिनों से अलग अलग कोई ज्योतिष के पास, कोई कहीं जाता है और कोई अंगूठी पहनता है, कोई अलग अलग पत्थरों को मढ़वा करके और कोई धागा करवाता है, कोई कुछ अलग अलग प्रकार की ना जाने कितने उपाय करता है, और फिर भी उस चंगुल से वो मुक्त नहीं होता, अभी तो एक दूसरे चंगुल में फंस जाता है और उसके माध्यम से वो पैसों से भी लूटता चला जाता है और उन समस्याओं से भी निजात नहीं पाता है। तो आप इन दोनों चंगुलों से, इन दोनों प्रकार के जाल से आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का सवेरा होगा। और जो भी अशुभ शक्ति है, चाहे वो आप कुछ भी हो, कोई कहता है कि भूत, प्रेत, पिशाच, या जो भी अलग अलग प्रकार की कोई अशुभ शक्ति का वार, या किसी की नजर लग जाने से लेकर के बिजनेस धंधा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के पारिवारिक संबंधों से लेकर के जो भी अलग अलग समस्याएं हैं, उन सभी प्रकार की समस्याओं से केवल एकमात्र साधन यज्ञ से आप मुक्ति पा सकते हो। और वो यज्ञ के लिए भी आपको कोई खर्च करने की या पंडित को बुलाने की या कोई अन्य विद्वान को बुलाने की भी अपेक्षा नहीं, आप स्वयं कीजिए। छोटा हवन कुंड लाइए, संविधा लाइए, घृत लाइए, जड़ी बूटियां लाइए, अपने घर में ही चावल, जौ, तेल, उड़द आदि होते हैं उसका प्रयोग कीजिए और उससे आप हवन कीजिए, और निरंतरता के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल 7 मिनट, 8 मिनट से लेकर के 5-7 आहुतियों से, गायत्री मंत्र से आहुति देने से लेकर के 108, जो भी आपकी अनुकूलता और जैसी आपकी समस्या, जैसा आपका संकल्प, उसके आधार पर आप करना शुरू कीजिए। आप देखिए ऐसा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की, और ऐसे सारी समस्याएं दूर होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा अमोघ, श्रेष्ठ और सरल और सस्ता साधन है यज्ञ, इसलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ को इष्ट काम जो कहा।
सर्व कामधु कहा, सत्यासंतु यजमानस्य कामा, जो यज्ञ करता है उसकी समस्त प्रकार की कामना यह यज्ञ पूरा करने वाला होता है, इसे वेद में कहा गया और वेद वाक्य अमर वाक्य है। यदि आप इसको करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। और हमने अपनी आंखों के सामने अनेकों अनेक परिवार के ऐसे कष्ट दुख देखे और उन लोगों ने अपने जीवन में इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपनाया और आज 1% भी वो इस प्रकार के कोई भी अशुभ से युक्त नहीं है। 1% के भी कोई भी इस प्रकार की दुष्ट शक्ति कहो या किसी दुष्ट वार कहो इससे पीड़ित नहीं है, अपितु अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की ओर स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी यदि ऐसी पीड़ा से युक्त हैं तो आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अग्निहोत्र यज्ञ हवन को अपनाएं। यह दूसरी समस्या है पूरे संसार में मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहली तो है स्वास्थ्य, दूसरा है यह मानसिक स्वास्थ्य का है, या फिर ये जो अलग अलग प्रकार के जो दोष या अलग अलग प्रकार की जो अशुभ शक्तियों का प्रभाव उससे भी हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पूरे संसार की समस्या है जीवन मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई, उनसे भी हम मुक्ति और निजात पाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी सबसे बड़ी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है अपने मन का शांत ना रहना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव अर्थात मानसिक असंतुलन का हो, या फिर आज जो मॉडर्न साइंस है उसकी रिसर्च भी बताते हैं कि 90% से भी अधिक लोग पूरी दुनिया में डिप्रेशन से युक्त है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से युक्त रहते हैं। उसी के कारण से लोग सुसाइड कर लेते हैं, मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। व्यक्ति मृत्यु से डरता है, मृत्यु से भागता है, मौत को सामने देख करके वहां से बचना चाहता है और एक ऐसी स्थिति उसी के जीवन में आ जाती है जैसा नेगेटिव विचार कर करके कि वही व्यक्ति जो इस संसार में जीना चाहता था, मौत से भागना चाहता, वही मौत को गले लगाता है, रस्सी से टंग जाता है, दवाई खा लेता है, कूद जाता है, मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? उनका मानसिक रूप से जो शांति है वह अशांति में परिवर्तित हो गई। अर्थात पूरी दुनिया के जितने भी मानव है उसकी सबसे बड़ी एक तीसरी कोई समस्या है तो मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन से युक्त हो रहना, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से युक्त रहना, अलग अलग प्रकार के अनेक ऐसे मानसिक रोग से घिरे रहना। और यज्ञ एक ऐसा अमोघ साधन है, यदि यज्ञ आप करते हैं तो सीधा सीधा तुरंत तात्कालिक और सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी में कोई लाभ देने वाला कोई साधन है इन समस्याओं में तो वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। इसलिए तो यज्ञ को सोमनस्य कार्य कहा है, आह्लाद को देने वाला कहा गया है। और उसमें भी जैसे चंदन, जावित्री, जायफल आदि कुछ ऐसी सुगंधित जड़ी बूटियां होती है, उसकी जब हम हवि देते हैं तो उसके अंदर जैसे चंदन होता है उसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है, परफ्राल सोमनस्य कार्य माना, जब उसको हम अग्नि में डालते तो मल्टीपल कई गुना होकर के वायुमंडल में आ जाता है और उसको हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो जो सुगंधी आती है उससे हमारी मस्तिष्क से संबंधित जो ग्रंथियां होती है वो ग्रंथियां सीधी प्रभावित होती है, तुरंत प्रभावित होती है और उससे हमारी वो ग्रंथियां इस प्रकार से प्रभावित कि गुड हार्मोन्स बनने लगते हैं और गुड हार्मोन सेकंड के ही कुछ हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुस जाते हैं और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि बीमारियां हैं उससे हमें मुक्ति दिलाते हैं और उनसे मुक्ति दिलाने के साथ ही साथ हमारे मन को शांत, सहज, एकाग्र बनाने का सबसे बड़ा साधन है अग्निहोत्र। इसलिए हमने जो इस विषय में कुछ यज्ञ को लेकर के अनुसंधान रिसर्च करना भी चाहा और हम कई सारे इस प्रकार के रिसर्च करके हमने ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव किया है या हमारे सामने आई ये बातें कि मॉडर्न साइंस में डिप्रेशन को लेकर के, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन को लेकर के, मानसिक शक्ति को लेकर के जितनी भी दवाइयाँ दी जाती है और उससे जो प्रभाव उसके मन के ऊपर पड़ता है उसकी अपेक्षा बहुत कम काल में और बहुत ज़्यादा इफेक्ट और लाभ हमें किसी माध्यम से प्राप्त होता है तो वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र, जिससे हमें अनेक गुना कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक लाभ देने वाला, अनेक प्रकार के रोगों से बचाने वाला
तन से संबंधित बीमारियों को भी, इसी प्रकार अशुभ शक्तियों से भी, और इसी प्रकार से मन, जो मन की शांति बहुत जरूरी मनुष्य जीवन के लिए है, उसको भी देने वाला होता है। यदि मन की शांति हमारे पास, कितना भी ऐश्वर्य है, कितना भी संबंधी जन है, कितना भी कुछ भी है हमारे पास, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो ये सारी चीजें वहीं के वहीं धरी रह जाती है। जो चीजें हमें सुख देने के लिए होती हैं, वही चीजें हमें दुख भी देने लग जाती है, यदि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है या हमारे मन में शांति नहीं है तो। और ये सारे जितने भी उपकर्म हम करते हैं या जितने भी चीजों को हम सुख सुविधा बढ़ाते हैं, उसका भी मूल उद्देश्य तो मन को, मन की शांति प्राप्त करने की होती है। तो उस मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में अग्निहोत्र को, यज्ञ को, हवन को अपनाएं। तो इस हमारे जीवन में आने वाली तीन सबसे बड़ी समस्याएं, सबसे प्रथम है प्रदूषण आदि से बचने से लेकर के, हमारी शरीर की व्याधियों से बचने से लेकर के, जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां या फिर अशुभ शक्तियों से बचने से लेकर के, हमारे मन की शांति तक की सिद्धि हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आइए हम अपने जीवन में अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं, समस्त प्रकार के अशुभ शक्तियों से मुक्ति पाए, समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्ति पाए, समस्त प्रकार की व्याधियों से मुक्ति पाए और मन की शांति को प्राप्त करें। आज इतना ही, इसी के साथ सभी को ओम। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए, बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई, अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाए आपको, हम बताए जितना हमको आता है, तो हम बताते हैं सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है, और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं, और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरम्भ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरम्भ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है, और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है, तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।